अवज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इजी एमजी फार्मा लेक्चर सीरीज। माय नेम इज़ एमजी लाशारी एंड आई एम फ्रॉम फैकल्टी ऑफ फार्मेसी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जामचरो। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ऑफ द टैबलेट। प्रीवियस लेक्चर में पार्ट वन एंड टू में हमने भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ऑफ द टैबलेट ही पढ़े थे, जिसमें हमने कैपिंग, लेमिनेशन, क्रैकिंग, चिपिंग, स्टिकिंग पढ़े थे। लेकिन आज के लेक्चर में हम बाइंडिंग, मॉडलिंग एंड डबल इम्प्रेशन डिफेक्ट्स ऑफ द टैबलेट पढ़ने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स ऑफ द टैबलेट से रिलेटेड। तो आज हम एक न्यू डिफेक्ट्स ऑफ द टैबलेट पढ़ेंगे, जिसमें बाइंडिंग, मॉडलिंग एंड डबल इम्प्रेशन पढ़ेंगे। तो लेट्स मूव टू लेक्चर। सबसे पहले बाइंडिंग क्या है? बाइंडिंग इज नथिंग, टेबलेट इट हेयर साइज टीयर इन द साइज डाई अ फिल्म फॉर्म इन द डाई केविटी रिजल्ट इजेक्शन ऑफ द टेबलेट इज हिंडर्ड विद एक्सेसिव बाइंडिंग द टेबलेट साइड्स क्रैकिंग में क्रैम अपार्ट। बाइंडिंग उसको कहते हैं जब टेबलेट बनती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमारी टेबलेट प्रोडक्शन एरिया में टेबलेटिंग मशीन में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एक लेयर बना देते हैं, फिल्म बना देते हैं, एडहेयर हो जाते हैं। तो टैबलेटिंग मशीन्स में एक डाई होती है जो उसमें चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाता है जो है ग्रेन्युलर मटेरियल। अच्छी तरह से टैबलेट नहीं बनती, बाहर नहीं निकलती टैबलेट, तो उसी को हम बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम डायग्राम को आपको दिखाएं, ये आप देख सकते हैं अपर एंड लोअर पंचेस। ठीक है, ये जो देख सकते हैं ये हमारा कर्सर नज़र आ रहा होगा आपको। इधर जो है जो पाउडरी मटेरियल जो है, ये ग्रेन्युलर मटेरियल जो है, ये डाई के अंदर स्टिक हो गया है, एडहेयर हो गया है, तो टेबलेट नहीं बन रही प्रॉपर तरीके से, ये पाउडर नहीं निकल रहा, स्टिक हो गया है, तो इसी को हम बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो कौन से काज होते हैं बाइंडिंग के और उसको रेमेडीज बना के हम कैसे ओवरकम कर सके, नंबर वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट इन द ग्रेन्युलेशन, ग्रेन्युलेशन प्रोसेस करते हैं, ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है ग्रेन्यूल्स में, नम्स फॉर्मेशन हो जाती है, अच्छी तरह से जो वो हमारे ग्रेन्यूल्स बनते नहीं, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से भी बाइंडिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्या करेंगे, ड्राई ग्रेन्यूल्स प्रॉपरली अच्छी तरह से उसको ड्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कर्सर नज़र आ रहा होगा, ये है मॉइस्चराइजिंग बैलेंस। LOD चेक करते हैं, लॉस इन ड्राइंग, हम ग्रेन्यूल्स ग्रेन्यूलर मटीरियल्स को अच्छी तरह से ड्राइंग करते हैं, इससे चेक करके हम के हमारा डिफेक्ट्स जो है बाइंडिंग वाला टैबलेट में ना आ सके। नंबर टू, इनसफिशिएंट लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट्स अच्छी तरह से नहीं डालते, इनसफिशिएंट डालते हैं, तो इंक्रीज करेंगे हम अपना लुब्रिकेंट एजेंट। नंबर थ्री, मोर कोर्स ग्रेन्यूल्स, कोर्स पार्टिकल्स हो जाते हैं ग्रेन्यूल्स के, उस वजह से भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, रिसाइज करेंगे, मॉडिफाई करें, एड मोर फाइन ग्रेन्यूल्स डालेंगे। नंबर फोर हो गया। नंबर फाइव, ग्रेन्यूलर मटीरियल्स वेरी एब्रेसिव अ कट इन टू द डाई, जो डाई होता है उस पर कट हो जाते हैं हमारे जो ग्रेन्यूलर मटीरियल्स, ठीक है, एब्रेसिव हो जाते हैं, तो उसको क्या करें, यूज़ वेयर रेजिस्ट डाई, रेजिस्ट डाई यूज़ करें कि ये प्रॉब्लम्स ना आ सके बाइंडिंग वाला। नंबर सिक्स, ग्रेन्यूलर मटीरियल्स टू वॉर्म, जो ग्रेन्यूलर मटीरियल्स होते हैं वो ज़्यादा वार्म हो जाते हैं, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो क्या करेंगे, रिड्यूस द टेम्परेचर, मॉडिफाई द टेम्परेचर, टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, नंबर सेवन, स्टिक टू द डाई, स्टिकिंग हो जाती है डाई के अंदर, डाई जो कैविटी होती है उसमें स्टिक हो जाती है, तो उसको क्या करें, प्रॉपर इंक्रीज करेंगे, क्लियरेंस करेंगे उसकी, के पॉलिशिंग करेंगे कि स्टिक ना हो हमारे डाई टैबलेटिंग मशीन में, डाई से स्टिक ना हो मटेरियल। पुअर फिनिश डाई, पुअर फिनिश होती है तो उसकी पॉलिशिंग करेंगे, ठीक है, उसकी कैलिब्रेशन अच्छी तरह से करेंगे, प्रॉपर ड्राई करेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स ना आ सके। नंबर नाइन, रफ डाई ड्यू टू द एब्रेशन कोरेशन, कोरेशन आ जाता है, एब्रेशन आ जाता है, तो रफ हो जाती है डाई केवल टेबलेटिंग मशीन में, तो ये आता है प्रॉब्लम, मॉडिफाई करेंगे,
विथ स्टील और ग्रेनुलेशन, ग्रेनुलेशन प्रोसेस को मॉडिफाई करेंगे, स्टील हम यूज़ करेंगे कि ये प्रॉब्लम ना सके। नंबर 10, अंडर साइज डाइज, जो डाई होती है ना वो अंडर साइज हो जाती है, टू लिटल क्लियरेंस, तो रिजल्ट में क्लियरेंस जो होती है वो ज़्यादा कम हो जाती है। तो क्या करें, रिवर्क करेंगे इस पर, प्रॉपर साइज इंक्रीज करेंगे कि क्लियरेंस इसकी हो सके, क्या साइज इंक्रीज करेंगे, प्रॉपर इसकी क्लियरेंस हो जाएगी, उसी को हम बाइंडिंग कहते हैं। ठीक, ये कॉजेस पढ़ें और रेमेडीज पढ़ें। बाइंडिंग वो हुए जो डेहर हो जाता है हमारा मटेरियल्स, किस में, डाई में। अब पढ़ेंगे मॉडलिंग। मॉडलिंग वो प्रोसेस होता है, डिफेक्ट होता है टेबलेट में, जो वो कलरिंग जो एजेंट होते हैं, कलर टेबलेट होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक जो है आइब्रोफिन का, ब्रोफिन का टेबलेट आता है तो उसको कलर्ड होता है। ठीक है, कलर डालते हैं हम अपनी टेबलेट में, अच्छी तरह दिखने में आए, अच्छी हो, एलिगेंस हो, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो हम कलरिंग डालते हैं। तो कलरिंग में अगर कोई टेबलेट की मिस्टेक आ जाए तो वो उसको मॉडलिंग कहते हैं। जैसे कि मॉडलिंग हम डेफिनेशन पर है, मॉडलिंग इज़ नथिंग, मॉडलिंग इज अनइक्वल आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर एंड द टेबलेट विद अ डार्क और लार्ज स्पॉट स्टैंडिंग एंड यूनिफॉर्म सरफेस ऑफ द टेबलेट। यानी जो कलर्ड होता है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता टेबलेट पे के सरफेस पे, अच्छी तरह से मटेरियल्स को हम उस पर जो है मिक्स नहीं करते यूनिफॉर्मली, तो ये मॉडलिंग का प्रोसेस आ सकता है। ठीक है, स्पॉट बन जाते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये टेबलेट पे ये स्पॉट है, अच्छी तरह से कलरिंग एजेंट नहीं हुआ, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी स्पॉट हो गया, ये अच्छी तरह से कलरिंग जो है मटेरियल्स हम अच्छी तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये जो है प्रॉपर है, ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कलर है, ये जो है वैलिड है, ये आप देख सकते हैं, ये अच्छी तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। ठीक है, लेकिन इधर इम्प्रॉपर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसी को अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी कलरिंग एजेंट की, तो उसको हम मॉडलिंग कहते हैं। कॉज कौन से हो सकते हैं, कलर ड्रग यूज अलॉन्ग विद कलर लेस ग्रेन्यूल्स, कलर लेस ग्रेन्यूल्स यूज करते हैं कलर ड्रग के साथ, ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्या करें, एड सफिशियंट कलर, सफिशियंट कलर उसमें ऐड करेंगे, ये प्रॉब्लम ना आ सके। नंबर 2, डाई माइग्रेट टू द सरफेस ऑफ द ग्रेन्यूलेशन वाइल ड्राइंग, जब ड्राइंग करते हैं तो डाई जो होता है माइग्रेट, डाई DYE कलरिंग एजेंट जो होता है माइग्रेट ऑफ द सरफेस पे, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्या करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे सॉल्वेंट को, सिस्टम को मॉडिफाई करेंगे, बाइंडर को डिक्रीज करेंगे, बाइंडर को और डिक्रीज करेंगे ड्राइंग टेम्परेचर को, पार्टिकल साइज को, ये प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, नंबर 3, इम्प्रॉपर मिक्स डाई, इम्प्रॉपर जो है कलरिंग एजेंट हम मिक्स करते हैं ड्यूरिंग डायरेक्ट कंप्रेशन, टेबलेट बनाते हैं एक वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन में भी टेबलेट हमारा 3 प्रोसेस होते हैं, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन एंड डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन की बात करें तो उसमें इम्प्रॉपर मिक्स होता है ये डाई कलरिंग एजेंट, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। तो क्या करेंगे, प्रॉपर डाई को मिक्स करेंगे तो फैसिलेट हो सके हमारा डायरेक्ट कंप्रेशन। ठीक है, नंबर 4, इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द कलर्ड बाइंडर सॉल्यूशन, कलर्ड बाइंडर सॉल्यूशन की अच्छी तरह मिक्सिंग नहीं होती तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉपर मिक्स करेंगे कलरिंग एजेंट्स को, बाइंडर को ब्लेंडिंग करेंगे अच्छी तरह से, फाइन बनाएंगे और उसमें कोई एजेंट भी डालेंगे, किशियाल ट्रेगासेंट अच्छी तरह वो वेल मिक्स हो जाए कि ये प्रॉब्लम जो है मॉडलिंग वाला ना आ सके। ठीक है, मॉडलिंग ना आए हमारे टेबलेट में, जब हम कलर डालें तो वो मॉडलिंग ना आए। ठीक है, हमें हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे प्रोडक्ट को, हमें अपनी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन एरिया में बींग अ फार्मासिस्ट अच्छा बनाए। ठीक है, नाउ इज डबल इम्प्रेशन, इम्प्रेशन उसको कहते हैं, या किसी की एक्शन को भाई कहते हैं फेस एक्सप्रेशन, फेस इम्प्रेशन, इम्प्रेशन किसी भी एक्शन को कहते हैं। ठीक है, डबल यानी ड्यूअल, टू टाइम्स। ठीक है, टेबलेट में भी ऐसा डिफेक्ट आता है, अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो द प्रॉब्लम इज ओनली पंचेस, पंचेस में आ जाता है ये प्रॉब्लम, द हैव अ मोनोग्राम, जब मोनोग्राम जब हम टेबलेट बनाते हैं, आपने देखा मेफनामिक एसिड का टेबलेट आता है मोनिस्टान का। ठीक है, उसमें एक ये दो लेयर होती हैं। ठीक है, ये एक लेयर है, लेकिन उधर के आ जाते एक इम्प्रॉपर जो है इम्प्रेशन आ जाती है, डबल लेयर आ जाती है, ये आप देख सकते हैं, ये
हमारा डायग ये जो है कर्सर नज़र आ रहा होगा, डायग्राम नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। तो उसी को हम डबल इम्प्रेशन, यानी डबल इम्प्रेशन हो जाती है, एक देने पे ये हम एक रिक्वायर्ड होता है तो डबल आ जाता है, तो उसी वजह से भी ये टैबलेटिंग डिफेक्ट्स आ सकता है। ठीक है, तो क्या ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द लोअर पंजेस, लोअर पंजेस की रोटेशंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ द टैबलेट, कंप्रेशन हो जाती है जब टैबलेट की। काजेज कौन से हो सकते हैं, फ्री रोटेशन ऑफ आइदर अपर पंजेस और लोअर पंजेस ड्यूरिंग इजेक्शन ऑफ द टैबलेट, जब टैबलेट निकलती है अपर एंड लोअर पंजेस में तो उसमें फ्री रोटेशन होती है, उस वजह से हो सकती है ये प्रॉब्लम। तो ओवरकम कैसे करें, यूज़ की टूलिंग यूज़ करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है, पंचेस को फिट करेंगे कि ये प्रॉब्लम प्रिवेंट हो सके, डबल इम्प्रेशन का प्रॉब्लम ना आ सके। बीइंग अ फार्मासिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोडक्शन में अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाएं। नंबर टू, न्यूअर प्रेस हैव एंटी टर्निंग डिवाइसेस, एंटी टर्निंग डिवाइसेस यूज़ करता है जो टेक्नीशियन होता है, इंजीनियर होता है, ठीक है, तो वो प्रिवेंट वो एंटी टर्निंग डिवाइसेस यूज़ करता है, ठीक है, टैबलेट मशीन में ये प्रिवेंट हो सके, ये प्रॉब्लम जो है डबल इम्प्रेशन वाला ना आ सके। आई होप हमारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप हमें जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, सो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आ गई हो वीडियो, और अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सो अल्लाह हाफिज़, टिल देन।